हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू कोविड ड्रग को इंडिया के अंदर अप्रूवल मिला उसके बारे में। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि इस ड्रग को किन्होंने डेवलप किया है, देन जब क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे तो क्या ऑब्जर्वेशंस इस ड्रग की वजह से मिली, देन हम जानेंगे कि ये ड्रग कैसे वर्क करता है, देन किस फॉर्म में हमें इस ड्रग को लेना है और लास्ट में देखेंगे कि किन लोगों को इस ड्रग को लेना है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो न्यू एंटी कोविड ओरल ड्रग आया है उसका नाम है 2-deoxy-D-glucose, जिसे 2DG एज अ शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसे इंडिया के अंदर इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिला है, जो अप्रूवल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे DCGI कहा जाता है, उन्होंने दिया है। अब नेक्स्ट देखो, ड्रग डेवलप बाय, ये जो ड्रग है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेशन में इस ड्रग को बनाया है। देन नेक्स्ट देखो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिली। जब क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे तो उन्होंने इस 2DG ड्रग को जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनको दिया था, और उनको ऐसे फाइंडिंग मिली कि उन पेशेंट्स की रिकवरी जल्दी होने लगी है, और साथ ही में जो ऑक्सीजन के ऊपर थे उन पेशेंट्स को भी उन्होंने 2DG ड्रग दिया था, तो उनकी भी जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी थी वो रिड्यूस होने लगी थी। तो ये दो मेन ऑब्जर्वेशन इस क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान उनको मिली। देन हाउ इट वर्क्स, ये जो ड्रग है वो सेम ग्लूकोज जैसे वर्क करता है। देखो, ग्लूकोज बॉडी के अंदर ब्लड थ्रू हर सेल के अंदर जाता है, वैसे ही ये 2DG ड्रग हर सेल के अंदर जाता है। जब वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के कांटेक्ट में आता है तो उनके अंदर जाकर वो एक्युमुलेट हो जाता है, और वहाँ पर वो दो मैकेनिज्म शो करता है। एक तो वो वायरस की ग्रोथ रोकता है, मतलब वायरस सिंथेसिस या तो वायरल रेप्लिकेशन जो होता है उसे वो स्टॉप कर देता है, और दूसरा है तो वो वायरस के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन बनाने के लिए वायरस सेल से एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये दो मैकेनिज्म के बेसिस पे वो वर्क करते हैं। अब देखो, DRDO ने एक लैबोरेटरी इमेज शो की थी, उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बताया था, जब उन्होंने SARS-CoV-2 इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर इस 2DG ड्रग को डाला तो उनको ऐसे मिला कि वो सेल्स कम होने लगती है, मतलब पहले सेल का नंबर ज़्यादा था और बाद में 2DG डालने के बाद वो सेल्स का नंबर कम हो गया, मतलब इससे पता चलता है कि वो सेल्स मरने लगी थी। तो इसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि हम यदि 2DG ड्रग इन पेशेंट्स को देते हैं तो उनके अंदर वायरस रेप्लिकेशन रुक जाता है, साथ ही में उनके अंदर जो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं उनके भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन नेक्स्ट देखो, हाउ इज 2DG बी कंज्यूम, मतलब ये 2DG ड्रग कैसे लेना है। ये जो 2DG ड्रग है वो पाउडर फॉर्म में डेवलप किया गया है, मतलब इसे हम ओरली ले सकते हैं, लेकिन इसे हमें वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद ही लेना है। अब लास्ट में देखो, हु कैन टेक दिस ड्रग, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है जिनका इन्फेक्शन मॉडरेट या तो सेवियर के अंदर आता है, उन पेशेंट्स को ये ड्रग लेना है, और जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है या तो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जो वेंटिलेटर के ऊपर है उनको ये ड्रग देना है, लेकिन जो असिम्टोमेटिक या तो जिनको माइल्ड सिम्टम्स है उन पेशेंट्स को ये ड्रग नहीं लेना है। यदि आपको ये ड्रग लेना है, यदि आपके इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो पहले आपको आपके फिजिशियंस को कंसल्ट करना है। यदि आपके फिजिशियन आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके बाद आपको ये ड्रग लेना है। देखो, ये ड्रग एक नॉर्मल कंपोनेंट है जो कि शुगर के जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा स्ट्रक्चरल उसके अंदर चेंजेस है। अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट्स पेशेंट के अंदर मिले नहीं है, मतलब ये सेफ ड्रग है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और इस वीडियो को जो आपके फैमिली मेंबर या तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको कोविड हुआ है उनके साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और यदि आपको कुछ डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, हम जरूर उनके रिप्लाई देंगे। थैंक यू गाइज़।